bismillahir rahmanir rahim dear students you are watching educational channel kmch i am khalid mahmood from kmch physics academy our subject is physics of class 10th we are solving its problems today we have to solve problem number 18.9 of unit number 18 unit number 18 is atomic and nuclear physics this one is the last problem of physics class 10

हमें एक कैंप मिला है जहाँ पे कभी किसी ने स्टे किया था गार के अंदर और उस कैंप फायर से हमने जो एशेस ली हैं उसमें जो कार्बन फोर्टीन की एक्टिविटी है वो हमें काउंट रेट जो है उसका वन एट्थ मिला है फ्रेश वुड्स की नस्बत यानी फ्रेश वुड में जितना होता है उससे वो वन ओवर एट्थ है यानी आठवां हिस्सा है उसका हाउ लॉन्ग अगो वाज़ दैट कैंप फायर मेड तो हमने ये बताना है कि कितना अर्सा पहले वो कैंप लगा था और वहाँ पे उन्होंने वो आग चलाई थी तो ये हमारा क्वेश्चन है हम इसको हल करते हैं हाफ लाइफ ऑफ कार्बन फोर्टीन टी वन ओवर फोर कितनी होती है फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड थर्टी ईयरस होती है ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए हमने ये खुद से लगाई है क्योंकि जो स्टेटमेंट है उसमें ये कार्बन फोर्टीन की हाफ़ लाइफ हमें नहीं बताई गई तो इसलिए ये हाफ लाइफ हमें खुद से याद होनी चाहिए कार्बन फोर्टीन की 5,730 इयर्स ओरिजिनल ईयर्स नंबर ऑफ एटम्स उसको हम एन नॉट रख लेते हैं और जो प्रेजेंट हमने वहां से नोट किया है वो नंबर ऑफ एटम्स जो हैं उनको एन रखते हैं और वो कितना है वन ओवर एट ऑफ एन नॉट है यानी उसका आठवां हिस्सा है जो हमने काउंट किया नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी गुजर गई हैं उसको हम टी रख लेते हैं वी नो दैट एन यानी प्रेजेंट जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल टू एन नॉट नंबर ऑफ इन टू वन ओवर टू की पावर टी और टी क्या है नंबर ऑफ हाफ लाइव्स कितनी हाफ लाइव्स गुजरी हैं तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं ये एन कितना है हमारे पास ये वन ओवर एट एन नॉट है यानी आठवां हिस्सा हो गया है एन नॉट का तो इसकी जगह वन ओवर एट एन लगा देते हैं हम तो वन ओवर एट एन नाट इज ईक्ल टू एन नाट इन टू वन ओवर टू की पावर टी तो एन नॉट एन नॉट से कट जाएगा दोनों तरफ वन ओवर एट इज वल टू वन ओवर टू की पावर टी आ जाएगा एट को हम लिख सकते हैं टू की पावर थ्री अब ये कंपैरिजन करें तो इधर वन ओवर टू की पावर थ्री है इधर वन ओवर टू की पावर टी है तो इट मीन्स दोनों इक्वेशन तभी बराबर हो सकती हैं जब ये टी जो है वो थ्री के बराबर हो तो इसलिए टी इज इक्ल टू थ्री आ गया हमारे पास इसका मतलब ये कि तीन हाफ लाइफ्स गुजर चुकी हैं उसकी कार्बन फोर्टीन की तो हाफ लाइफ कार्बन फोर्टीन की कितनी है T1 over वो है तो क्योंकि तीन गुजर चुकी हैं हैं तो इसलिए कितने गुजरे है? टोटल कितनी है वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ तो ये कितनी नंबर ऑफ लाइफ्स गुजरी हैं हाफ लाइफ थ्री गुजरी हैं और ये टी वन ओवर टू कितना है थर्टी ईयर्स तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं हम तो ईयर लैब्स इज इक्वल टू आ जाएगा टी इन टू टी वन ओवर टू इसकी जगह पे थ्री आ जाएगा और इसकी जगह पे फाइव सेवन थ्री जीरो ईयर्स आ जाएंगे तो जब जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो वन सेवन वन नाइन ज़ीरो ईयरस बन जाते हैं इसका मतलब ये है कि उस गार में जब किसी ने कैंप लगाया था तो इसको सत्रह हज़ार एक सौ नब्बे साल गुजर चुके हैं तो दस कैंप फायर वाज सेट वन 17,119 years ago. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये मालूम कर लिया इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी ख़ुद भी इसको देखें दोस्तों को भी दावत दें ताकि उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है किया तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको मिलती रहें इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के एम सी एच फिज़िक्स अकेडमी की तरफ से ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम था यूनिट नंबर 18 का हमने क्लास टेंथ के जो प्रॉब्लम्स थी एक्सरसाइज़ की वो सारी कंप्लीट कर ली हैं नेक्स्ट टाइम इन हम इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं उनको देखेंगे उनको सॉल्व करेंगे मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़ शाद रहें आबाद रहें